Now, turn your page, page number 20. On page number 20, your new heading is output devices. आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं ना इनपुट डिवाइसेस के बारे में, अब मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी। इनपुट में आपने क्या पढ़ा था, इनपुट की टू डिवाइसेस हैं कीबोर्ड और माउस। अब हम आउटपुट में पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, विच आर यूज टू गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनपुट डिवाइसेस यूज होती हैं कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए। अब आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम आउटपुट लेते हैं, मतलब कंप्यूटर में से अगर कोई चीज़ आपने एंटर की है तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी चाहिए ना उसका, तो वो रिजल्ट आप कैसे लेंगे, वो रिजल्ट आप इस डिवाइस के थ्रू लेते हैं जिसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। और इस डिवाइस के टू मेजर मेन पार्ट्स होते हैं, टू मेन आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। अब जैसे कि मॉनिटर के बारे में आपने स्टार्ट में भी पढ़ा, मॉनिटर क्या होता है, जो स्क्रीन पे आप टाइप करते हैं लिखते हैं, जस्ट लाइक अ टीवी स्क्रीन एलसीडी, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर। वो होता है हमारा मॉनिटर जिस पे हम हर चीज़ कंप्यूटर में से देखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर। और प्रिंटर क्या होता है, व्हाट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर आप देखते हैं कोई चीज़, जैसे आपके नोट्स हैं, जस्ट लाइक दिस आपके नोट्स हैं ना, ये अगर हम कोई चीज़ टाइप करते हैं या लिखते हैं, कोई भी सिलेबस है, कोई आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको जब हमने प्रिंट बाहर निकालना होता है, जैसे आपकी पिक्चर्स हम प्रिंट करवाते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंटर, प्रिंट हुआ हुआ, ठीक है, ये प्रिंट आया हुआ है हमारे पास। और ये किसके थ्रू हम करते हैं, प्रिंटर के थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, प्रिंटर के थ्रू। तो प्रिंटर क्या काम करता है, प्रिंटर हमें हमारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके देता है, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, मॉनिटर इज़ अ मेन आउटपुट डिवाइस एंड इट लुक्स लाइक द स्क्रीन ऑफ अ टीवी सेट। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। देखा, वही जो मैंने आपको बताया है कि मॉनिटर किस लिए यूज़ किया जाता है, ये जस्ट लाइक टीवी स्क्रीन होता है और ये मेन आउटपुट डिवाइस है जो कि टीवी की स्क्रीन की तरह दिखती है और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर का भी सेम वही जो मैंने आपको बताया है कि प्रिंटर में आप ग्राफिक्स कर सकते हैं, पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं कोई भी करेक्टर सिंबल कोई भी चीज़, ठीक है, और प्रिंटर हमें वो प्रिंट आउट दे देता है। उसके बाद पेज नंबर 21 पे देखिए आपकी एक्टिविटीज़ हैं बेटा। एक्टिविटी नंबर 1 है सर्कल द आउटपुट डिवाइसेस। वही सेम आपको 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, एक प्रिंटर की है, एक डीवीडी डिस्क की है, एक मॉनिटर है और एक आपकी हार्ड डिस्क है। उन चारों में से आपने मेन पे करना है कि मतलब क्या आपकी जो है वो आ रही है, कौन सा आपने सर्कल करना है, कौन सी ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस आपने देखा है कौन सी है, मॉनिटर और प्रिंटर। ऑब्वियसली इन 4 पिक्चर्स में से आप देखेंगे मॉनिटर और प्रिंटर की पिक्चर कौन सी है। फर्स्ट वन इज़ प्रिंटर एंड द थर्ड वन इज़ प्रिंट मॉनिटर, सॉरी। तो इस पर आप टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद राइट द नेम ऑफ टू आउटपुट डिवाइसेस। फिर आपके कलर द करेक्ट सर्कल है। CPU इज़ एन आउटपुट डिवाइस, येस और नो। नो, CPU आउटपुट डिवाइस है या नहीं है, नहीं है। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, येस। इस पर आप येस पे कलर करेंगे। उसके बाद मॉनिटर इज़ लुक लाइक द टीवी स्क्रीन, मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह लगता है, येस। इस पर भी आप येस में कलर करेंगे। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू गेट प्रिंट आउट। इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो प्रिंट आउट देने के लिए यूज हो सकती हैं, नो, क्योंकि वो तो आउटपुट डिवाइस देता है हमें, प्रिंटर देता है, तो ये क्या हो गया, ये नो हो गया, नो पे कलर करेंगे। मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेस्ड डाटा, मॉनिटर जो है वो डाटा को प्रोसेस करने में काम आता है, येस। इस पर आप येस पे कलर करेंगे। एज आई से बिफोर, इसी तरह से ये पेज नंबर 21 के भी आपको नोट्स दिए गए हैं बेटा, ठीक है। ये इस तरह से सारे आपके आंसर्स हैं हर एक्टिविटी के, और ये सारे आंसर्स आपको दिए गए हैं, इस पे से आप फॉलो कर लें। और जिन बच्चों ने नहीं लिए हुए वो इसको स्कूल से अपनी अपनी ब्रांचेस से आकर ले लें। थैंक यू।